हेलो गाइज, नमस्ते, राम राम जी। मैं रवि, आप देख रहे हैं फेमस रवि यूट्यूब चैनल। तो गाइज, फिलहाल मैं सोकर उठ चुका हूँ भाई, और मैं नैना देवी पर हूँ, मैं ऊपर पहाड़ पर हूँ। मैं साइकिल से चढ़कर आ चुका था, आपने पिछले व्लॉग में देख ही लिया होगा भाई। और मैंने यहाँ पर रात दर्शन कर लिए थे लगभग 9:30 के करीब, और 10 बजे मंदिर बंद होता है। मैंने आधा घंटा वाले दर्शन कर लिए, चलो माता रानी के दर्शन तो हो गए भाई। मैंने सोचा सुबह करूंगा ना तो फिर लाइन लग जाएगी, ठीक है। मैं खड़ा हूँ अभी यहाँ पर पहाड़ पर, और अपना अभी जा रहा हूँ मैं नीचे साइकिल से अपनी, अपना पार्किंग में खड़ी है मेरी साइकिल वहाँ पर, और अपना उठाते हैं साइकिल को, पार्किंग के पैसे देकर अपना चले जाते हैं। और अभी ढूंढ दिया मुझे यहाँ पर बाथरूम, क्योंकि भाई नहाए बिना नहीं रहा जाएगा भाई, और मुझे एक दिन हो गया पूरा नहाए हुए। मैं कल सुबह नहाया था भाई, अपना देख सकते हैं टी शर्ट भी चेंज नहीं की मैंने, और अपना चाय वगैरह पीते हैं सबसे पहले भाई यहाँ पर, क्योंकि भाई मेरा गला सूख रहा है भाई बहुत ज़्यादा, यहाँ से सूख गया भाई गला। और पानी की बोतल मैं वहीं छोड़ के आ चुका हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि क्यों बोझ में मरे, अब तो भाई निचाई निचाई है। और अब तो पता क्या है, बिल्कुल मैं साइकिल ऐसे लेकर जाऊँगा, एक ही पैडल नहीं मारना मुझे अब साइकिल का, ठीक है। अपना सीधा नीचे आनंदपुर साई में रुकेगी मेरी साइकिल, एक भी पैडल नहीं मारूंगा, मतलब एक भी भाई। मैं पैदल आया था भाई, पैडल मार ही नहीं सकता था, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, साइकिल नहीं चढ़ता भाई यहाँ पर, गियर वाली साइकिल चढ़ेगी बस, और गाड़ियाँ चढ़ेंगी। और यहाँ पर एक गुफा भी है, पवित्र गुफा भाई माता नैना देवी की। मैं गुफा में नहीं गया भाई, अब 9 बजे खुलेगी, वो देखता हूँ भाई क्या रहता है। और यहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा है भाई, यहाँ पर डर रहता है भाई फोन ना चला जाए। मेरे पास दो फोन है भाई, एक मेरा मैप के लिए और एक मेरा व्लॉगिंग के लिए। वो नीचे बाथरूम दिख रही है मुझे, अभी दिख गई थी, ठीक है। अपना वहाँ पर चला जाता हूँ, सबसे पहले बाथरूम में स्नान कर लेता हूँ भाई। भाई जब ही आ चुका मैं पार्किंग में, क्योंकि नहाने की जगह मुझे नहीं मिली, अभी मैं अपनी यहाँ से साइकिल उठा रहा हूँ भाई। वो पैसे मांग रहा था नहाने के, और मेरे पास कैश नहीं है भाई, कैश मांग रहा था, क्योंकि बूढ़ा सा आदमी था, वो कैसे गूगल पे चलाता होगा, तो मेरे पास तो बस गूगल पे है भाई। चलो कोई बात नहीं, मुझे कैश की जरूरत पड़ी नहीं अभी तक। आप देख सकते हैं पीछे पार्किंग है, और पार्किंग की थोड़ी सी बात आऊँ ना, तो यहाँ पर आपकी मोटरसाइकिल का किराया 12 घंटे का 50 रुपया, और आपकी कार है कोई जीप है उसका 100 रुपया 12 घंटे का, ये कुछ है। और ट्रक बस तो आप कहाँ लेकर आएंगे, यहाँ पर ट्रक बस का 200-300 होता है। अभी देख रहे हैं कुछ ऐसा व्यू दिखता है भाई आसपास, आप देख सकते हैं। अब मैं साइकिल लेकर चलता हूँ, रास्ते मिलता हूँ आप लोगों को। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं मैं रास्ते में जा रहा था भाई, और मैं उस रास्ते से नहीं गया, मैं वापस जा रहा हूँ भाई दूसरे रास्ते से, नंगल की तरफ जा रहा हूँ। नंगल यहाँ से 36 किलोमीटर है, जहाँ पर नंगल डैम है, ठीक है। और अपना यहाँ पर मैंने देखा भाई, देखो यहाँ पर पहाड़ गिरे हुए हैं, बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं भाई, आप देख सकते हैं। और देखो कैसे मलबा, मतलब कि आग लगती है कभी कभी, पत्थर गिर जाते हैं भाई। और इस रास्ते पर कोई नहीं है भाई, मैं अकेला हूँ इस रास्ते पर, कोई भी नहीं है, मैंने अभी तक कोई भी देखा। मैं लगभग 5 किलोमीटर चलकर आ चुका हूँ, मैंने एक भी बंदा नहीं देखा यहाँ पर। और मैं थोड़ा सुधर के दिखा देता हूँ, मुझे थोड़ा सा डर तो लग रहा है भाई, कभी जानवर ना जाए कोई। आप देख सकते हैं मैंने अपनी साइकिल यहाँ पर खड़ी कर दी है, और अपना रास्ता देखो भाई, कितना छोटा सा रास्ता है, कितना संकरा सा रास्ता है, इतना छोटा रास्ता भाई क्या कर ले पहाड़ों में भाई, देख सकते हैं आप खुद ही। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाना चाहूंगा क्या माहौल है यहाँ पर। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं पेड़ किस प्रकार जले है भाई, आग लग जाती है पहाड़ों में, पता नहीं क्यों लग जाती है। और यहाँ से कट के आया भाई ये पत्थर, और अपना यहाँ पर चले जाते हैं भाई, ये अब कैसे समझाए भाई कब गिरेंगे, और कोई आ रहा हो यहाँ पर। तो देख सकते हैं कैसे मिट्टी डल चुकी है भाई यहाँ पर, और सड़क देखो भाई, सड़क कितनी है भाई, देखो यार क्या कह सकते हैं, ये पत्थर गिर जाते हैं भाई। ये देखो भाई यहाँ पर खाई है भाई, सारी की सारी ये खाई है उधर, और देखो उधर घना जंगल है भाई बिल्कुल, और यहाँ पर तो जानवर वगैरह भी रहते होंगे भाई। सड़क से आया मैं तो एकदम आया भाई उधर से, देखो उधर से आया मैं, और यहाँ से चलकर यहाँ आया भाई, और ये खड़ी है दुरंत एक्सप्रेस यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और उधर मुझे 2 बच्चे दिख रहे हैं भाई स्कूल के। तो अभी मैं जा रहा हूँ भाई नंगल की तरफ, अपना नंगल से मैं जाऊँगा ऊना, और नंगल यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर के आसपास है, और ऊना से मैं जाऊंगा अंब अंदोरा से मैं जाऊंगा कांगड़ा। मैं आज अंब अंदोरा पहुंच जाऊंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ तो मुझे एक ही पैडल नहीं मारना भाई, क्योंकि मेरी मेहनत रंग ले आई भाई सच में यार। अगर यहाँ भी पैडल मारना पड़ जाता ना तो भाई मैं बहुत ज्यादा थक जाता भाई, रास्ते में बैठ जाता मैं तो, चाहे कितना डरावना रास्ता हो। चलो भाई चलते हैं अपना, और बात आगे करते हैं भाई। जब मैं रास्ते से जा रहा था तो मुझे एक प्यारा सा गाँव देखने को मिला, मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं इसका एंट्री गेट है, गाँव का एंट्री गेट है भाई, मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है हरियाणा में रहते हुए। देखो यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सलोवा, ये सलोवा गांव का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जैसे हमारा प्राइमरी हॉस्पिटल होता है ना, ठीक है। अपना ये जाती है, देखो कितनी प्यारी सी गली बना रखी है भाई, और मेरे सामने है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सलोवा गांव, बिल्कुल घाटियों में बसा। मैं आपको दिखा नहीं सकता, पता कि उधर से सूरज पड़ रहा है ना तो आपको दिखेगा नहीं, अंधेरा अंधेरा दिखेगा, पहाड़ों में ऐसा ही होता है, आपको धुआं धुआं दिखेगा। इसी मैं अपनी तरफ कैमरा करके दिखा रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। इधर है भाई गोविंद सागर, ये गोविंद सागर है सारा का सारा, अगर आपको थोड़ा सा दिख रहा हो ना, और इसी से निकलती है सतलुज नदी, बाखड़ा डैम बनाकर वहां से निकाली गई सतलुज नदी, जो आपको मैंने दिखाई थी। इतना बड़ा जलाशय है भाई ये, अभी ये लगभग 20 किलोमीटर आगे मुझे इसके साथ साथ चलना है, इतना बड़ा जलाशय है, मतलब जैसे जोड़ होता है ना, इतना बड़ा जोड़ है भाई ऐसा लगा लो। और कितना गहरा होगा भाई ये पता नहीं, इसके बीच बीच छोटे छोटे टापू खड़े हैं, मतलब पहाड़ों के टुकड़े खड़े हैं छोटे छोटे, और अच्छा लग रहा है भाई, मतलब सच में बहुत अच्छा, कमाल का हिमाचल प्रदेश अच्छा लग रहा है मुझे बहुत ज्यादा, और मुझे गाँव सबसे ज्यादा अच्छा लगा भाई। ये छोटे छोटे घर पता कैसे बसे भाई, ऐसे ऐसे ढलानों पर बसे, मतलब कितना खूबसूरत दृश्य है यार, यहाँ के लोग व्लॉगिंग करने लग जाए ना भाई कितना अच्छा लगेगा यार। बस पता क्या होता है, जिसके पास जो चीज है ना उसको उसकी कदर नहीं होती, और जिसके पास नहीं है उसको उसकी कदर होती है, हमारे जैसे लोगों पर लागू
होती है बातें भाई सच में। मैं तो हिमाचल में होता ना मैं तो बहुत ज्यादा अच्छी व्लॉगिंग कर लेता। मुझे हिमाचल का कोई बंदा देख रहा ना तो मुझे अपने घर बुला ले भाई एक बार, मैं अच्छी व्लॉगिंग करके जाऊंगा। जिनका घर घाटी हो बस ऐसे ऐसे पहाड़ों पर, छोटे छोटे पहाड़ों पर और बड़े बड़े पहाड़ सामने हो भाई, अच्छा लगता है ऐसे यार। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, मैं इसकी बात कर रहा था भाई, ये गोविंद सागर है, ये देखो छोटे छोटे पहाड़ खड़े हैं यहाँ पर और उधर सारा का सारा फैला है और उधर जा रहा है 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर की तरफ। मैं इसी रास्ते से जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये इसका एंट्री गेट है भाई गाँव का और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ये कुछ ऐसा दिखता है भाई देखो। और मैं उस रास्ते से आ रहा हूँ, तो गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूँ बाखड़ा डैम पर। आप देख सकते हैं कितना बड़ा पानी का स्रोत है, ये गोविंद सागर है और बाखड़ा डैम ये है भाई देखो। अभी तो पानी का स्तर बहुत कम है, अगर मानसून आएगी ना भाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मैंने देखा है मानसून में, मैं एक बार आया था यहाँ पर, नैना देवी आया था मैं, ठीक है, पिछली बार, दूसरी बार आया मैं नैना देवी अभी, और अपना अच्छा लग रहा है मुझे देखकर भाई, इतना बड़ा पानी का स्रोत भाई, मजा ही आ जाता है देखकर, क्योंकि हमको कुछ अलग चीज़ दिखती है ना तो अच्छा ही लगता है भाई। और यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं, 1 किलोमीटर आगे वोट घाट है, एक वोट घाट उस पर आप बोटिंग वगैरह कर सकते हैं भाई, बहुत मजा आता होगा। अभी कोई भी नहीं है भाई यहाँ पर, आप देख सकते हैं भाई, क्योंकि यार ये जनसंख्या का एरिया है ही नहीं भाई, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा कम है भाई। और मैं छोड़ के आ चुका हूँ नैना देवी को 20 किलोमीटर पीछे, देख लो 1.5 घंटे मैंने 20 किलोमीटर कवर कर दिया भाई 1.5 घंटे में, अच्छी बात है यार, क्योंकि उतराई थी भाई, थोड़ी थोड़ी सी चढ़ाई थी बस, थोड़ी थोड़ी सी, बाकी उतराई ही थी भाई। चलो अभी चलते हैं भाई आगे की तरफ, चलते हैं नंगल जाना है मुझे, नंगल से फिर ऊना जाऊंगा मैं, ऊना से फिर अम्बंदोरा, अम्बंदोरा से कांगड़ा। भाई जब भी आप देख सकते हैं मैं नंगल डैम पर खड़ा हूँ और बाखड़ा डैम से 13 किलोमीटर दूर आए, मैं चलकर आ चुका हूँ 13 किलोमीटर दूर बाखड़ा डैम से। और भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है भाई, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ अभी कतरा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट है पूरी, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे तो यहाँ पर कैमरा लाउड नहीं है, और भाई मेरी साइकिल खड़ी है उधर, आप देख सकते हैं सड़क पर खड़ी है, और मैं सामने बहुत बड़ा बांध देख पा रहा हूँ। अगर भाई ये माना जाता है कि अगर ये बांध टूट गया ना तो आधा हरियाणा आधा पंजाब डूब जाएगा, लोगों की जान खतरा हो जाएगा भाई।